नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फन थ्री न्यूज़ के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है एक बात की 100 बार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल में आम जीवन की रफ्तार काफ़ी कम हो गई, मगर लॉकडाउन में लोगों ने घर बैठे बैठे सिर्फ पकवान ही नहीं बनाए बल्कि काफ़ी रिश्ते भी बना लिए। जी हाँ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सगाइयों का सिलसिला जारी रहा। आइए मिलते हैं जोधपुर के एक ऐसे ही परिवार से जिन्होंने लॉकडाउन में सगाई का एक्सपीरियंस किया। तो सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं दूल्हे राजा खुद। जी हाँ, बताइए सोहन जी, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, एक्चुअली फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना, इसलिए नर्वसनेस तो है। अरे नर्वस होना बनता भी है भाई, हैं? जी हाँ, दूल्हे राजा की नर्वसनेस और बढ़ने वाली है क्योंकि अब हमारे साथ जुड़ रही हैं होने वाली दुल्हन। तो आइए मिलते हैं सोहन की सुहानी से। जी हाँ, तो सुहानी जी बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मिक्स्ड फीलिंग्स है मोहित जी, समझ नहीं आ रहा कुछ, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी जो हो गया। जी जी बिल्कुल, हमारे देश में सब कुछ जल्दी ही होता है, विकास को छोड़ के। तो सोहन जी और सुहानी जी, अब हम आपको 2 मिनट के लिए अकेला छोड़ेंगे, दिल खोल के बात कीजिए। हाय सुहानी जी। हेलो। आप बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। आप भी। थैंक यू जी। फोटोज में काफी अलग लगते हैं आप। हाँ, वो एक्चुअली पिक्स काफी डार्क आती है मेरी। नहीं नहीं, फोटो में तो काफी ब्राइट लग रहे थे आप। अच्छा अच्छा, अरे सारी बातें आज ही कर लेंगे क्या हैं? और ये भला क्यों नहीं खुश होंगे, लंगूर के हाथ अंगूर जो लगे हैं। क्या मतलब है आपका? मतलब बहुत अच्छी जोड़ी आप दोनों की है। मोहित जी मुझे थोड़ा काम है, इजाजत चाहूंगी। तो आइए अब मिलते हैं उनसे जिनकी वजह से ये रिश्ता पक्का हुआ है। जी हाँ, नमस्कार बुआ जी, कैसी हैं आप? नमस्ते, मैं तो बहुत खुश हूँ। खुश कैसे नहीं होंगे, मैं मेरे सोने की सगाई हुई है, मेरे भतीजे की सगाई पक्की हुई है भाई। जी जी, तो जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या रोल रहा है आपका इस रिश्ते को पक्का करवाने में। रोल की कैसी बात पूछी आपने, सारा रोल मेरा ही है। मेरा भाई मुझसे पूछे बिना एक पाउंड आगे नहीं धरता है। और ये जो सुहानी, ये जो लड़की आई है, ये मेरे बहुत पास के रिश्ते में लगती है। मेरे पड़ोसी है व्यास जी, उनके साली के मामा के बेटे की पोती है सगी, बताओ आप। हाँ, काफी काफी क्लोज रिलेशन है। और ये मेरा सोनिया, लॉकडाउन में दिन भर घर में बैठे बैठे टिकटॉक के आगे नाचता रहता था। मैंने बोला मेरे भाई से कि इसकी सगाई करवा देते, बाद में अपनी बीवी के आगे नाचेगा। हाँ, ये बहुत अच्छा काम किया आपने। अरे ऐसे अच्छे काम तो 5-6 करवा दिए मैंने इस पूरे लॉकडाउन में, खूब सारी सगाइयां करवाई है मैंने। अच्छा अच्छा, मैं तो कहूँ कि आपकी भी उम्र हो गई है, कब तक ये लोगों की इंटरव्यू लेते रहोगे? बोलो तो आपको भी लड़की की फोटो भेज दूँ। थैंक यू बुआ जी, 2 बच्चे हैं मेरे। अरे तो क्या हो गया, बच्चों को माँ की जरूरत भी तो होती है ना। बुआ जी मैं शादीशुदा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं दूल्हे राजा के बड़े भैया। नमस्कार कुंवारे लाल जी। जी नमस्ते। कैसा लग रहा है आपको, अब तो छोटा भाई घोड़ी चढ़ेगा भाई है। अच्छी बात है, बढ़िया है। क्या हुआ, खुश नहीं लग रहे आप? इसमें क्या खुश होना, क्यों शादी खुशी की बात नहीं है? ये शादी वादी सब बेकार है, कुछ नहीं पड़ा है इसमें। अच्छा, तो ये आप बोल रहे हैं या आपका तजुर्बा? अरे कैसा तजुर्बा, जैसा नाम वैसा काम, कुआ रहे ये। अच्छा, मतलब आप शादी करना ही नहीं चाहते। अरे ये तो खूब करना चाहते थे, लेकिन इनसे कोई करना नहीं चाहता। अब अंगूर हाथ नहीं आए तो अंगूर खट्टे हैं। तो तू चुप रहे सोहनी, तेरी होगी ना, तू ज्यादा उछल मत। अरे अरे शांत हो जाइए, लड़िए मत। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। शुक्रिया जुड़ने के लिए। एक मिनट, अगर कोई लड़की ये शो देखकर मुझे पसंद करने लग गई हो तो प्लीज मुझे फेसबुक पे मैसेज कर देना। हाँ अब आए ना लाइन पे। तो अगर कोई लड़की ये शो देख रही है तो मेरी उनसे गुजारिश है कि कृपया फेसबुक पे जाके इनको सर्च करें और ब्लॉक कर दीजिए इनको, एक नंबर के दोगले इंसान है ये। आइए अब मिलते हैं सोहन के दूर के चाचा जी से। नमस्कार रोंदूलाल जी। नमस्ते। क्या हुआ चाचा जी, खुश नहीं लग रहे आप? अरे सगाई हुई है आपके भतीजे की, क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं आप? है? नहीं नहीं कुछ नहीं,
बस वो सोच रहा हूँ कि हम वो 25 लोगों में आते हैं या नहीं। कैसे 25 लोग चाचा जी? अरे वो सरकार ने गाइडलाइन दी है ना, शादी में 25 ही लोग आ सकते हैं एक साइड से, तो बस वही। अरे चाचा जी कैसी बात कर रहे हैं आप तो आओगे शादी में? हाँ तो बुलाना ही पड़ेगा। अरे मोहित जी आप ना मेरी बात सुनिए। हाँ हाँ कहिए ना चाचा जी। अरे साहब हर छोटे बड़े फंक्शन में इनके पूरे परिवार को बुलाता हूँ मैं। अरे चाचा जी कहना क्या चाहते हो? इतने महीनों से कोई शादी भी अटेंड नहीं किए, कुटन सी हो रही है क्योंकि किसी शादी में जाके खाना ही नहीं खाया। तू पराया मत कर देना। जी जी जरूर बुलाएंगे आपको जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो आइए अब मिलते हैं दूल्हे के दादाजी से। जी हाँ नमस्कार दादाजी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आशा बहुत बहुत धन्यवाद। जय शंकर। कैसा लग रहा है आपको? अरे हमारे काले की सदी फिक्स हुई है भाई, बहुत राजी हूँ मैं तो। सोहन बोलो दादाजी, न्यूज चैनल पे यू क्या कर रहे हो? हाँ वही इधर है, सोहन रे सदी फिक्स हुई है। जी जी आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपके जमाने की सगाई में और ये लॉकडाउन वाली सगाई में कितना अंतर है? अब देखो सा, यूँ तो हमारे टाइम में ऐसे रिवाज होते नहीं थे कि छोरा छोरी मिलने हुए शादी से पहले, अब आजकल तो वीडियो कॉल पे ही सब हो जाते हैं। अच्छा मतलब आपने भी दादी जी को शादी से पहले नहीं देखा था? अरे आपको एक बात बताऊँ मैं, मैंने तो इसके दादी का चेहरा बाद में देखा, इसके पापा का चेहरा पहले देखा। अच्छा एक और मेन बात, बच्चे भी जो हो वो दो से ज़्यादा नहीं हो। हमारे भी बड़े बुजुर्ग कह के गए थे साहब, हम दो हमारे दो, सही बात है ना? अरे बिल्कुल सर बिल्कुल। यूँ तो मेरा 5 लड़के और 3 लड़कियाँ हैं, लेकिन आजकल के युवाओं को मेरा संदेश है कि बच्चे जो है वो जी जी। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। देश में कोरोना से बहुत बुरा हाल है, तो जब तक पुतिन भैया खुद राफेल में बैठ के वैक्सीन नहीं देने आते, कृपया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जितना हो सके अपने घर में रहें। और हाँ वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।